Asslam-O-Alikum guys, welcome to my channel Khan Look Studio. My name is Shweb Khan. तो दोस्तों आज एक मैं न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ. सबसे पहले दोस्तों आप ये फोटोज़ चेक करें जो एडिट की हुई है और इसमें फ़र्क दोस्तों. इसके बाद चलते हैं वीडियो के अंदर. दोस्तों जिन भाइयों ने हमारे चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, सबसे पहले वो हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे और लाइक के बटन क्लिक करें. दोस्तों सबसे पहला जो ऐप है वो हमारा है लाइक, जो आप प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं. दोस्तों आज मैं आपको लाइट रूम में एडिटिंग भी सिखाऊंगा. जैसे कि दोस्तों जिस तरह मैं लाइट रूम में इस फोटो को ब्यूटीफुल बनाना चाहता हूं दोस्तों, इस तरह आप भी अपनी फोटो को ब्यूटीफुल बनाने के लिए दोस्तों आप भी इस पिक्चर की इसी तरह ही सेटिंग करेंगे. दोस्तों देख लो जैसे कि मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ, दोस्तों आपने भी इसी तरह इसकी सेटिंग करनी है. दोस्तों सेटिंग करने के बाद अब हम यहाँ पे कोई प्रीसेट चॉइस करेंगे. जैसे कि दोस्तों देख रहे हैं मुझे ये प्रीसेट अच्छा लगा, मैं इसकी कॉपी कर लूँगा. कॉपी करने के बाद दोस्तों इसे अपनी पिक्चर पर जाकर पेस्ट कर दूँगा. दोस्तों पेस्ट करने के बाद देख रहे हैं जैसे कि इसके फेस पर शार्पन है. दोस्तों हम ऐसे करेंगे शार्पन को फुल करके मास्किंग को बढ़ा देंगे ताकि शार्पन जो है वो आपको मैं दिखाता हूँ कि शार्पन बिल्कुल कोने पे कर देनी है. वाइट वाइट आपको नज़र आ रही होगी, इसी तरह ही दोस्तों हम इसे बिल्कुल कोने पे कर देंगे. दोस्तों करने के बाद पिक्चर को हम यहाँ से सेव कर देंगे. सेव करने के बाद दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा है ऑटो डिस्क, वो जो आप प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं. दोस्तों ऑटो डिस्क में हम फेस को क्लियर करते हैं, तो आज मैं आपको वो भी सिखाऊंगा कि फेस को कैसे क्लियर करते हैं. दोस्तों देख रहे हैं जिस तरह मैं इसके फेस को क्लियर कर रहा हूँ, आप भी इसी तरह ही अपने फेस को क्लियर करेंगे. We'll be right back.
उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फेस ट्यून ट्यूब, वो जो आप प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों फेस ट्यून ट्यूब में हम इसके हेयर भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों फेस ट्यून में हम बहुत काम कर सकते हैं। दोस्तों देख रहे हैं कि फेस ट्यून की जिस तरह मैं सेटिंग कर रहा हूँ, दोस्तों आपने भी फेस ट्यून की इसी तरह ही सेटिंग करनी है पिक्चर को खूबसूरत बनाने के लिए। Thank you.
दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है पिक आर्ट, जिसमें हम पिक्चर के ऊपर कोई स्टिकर या पीएनजी लगाएंगे या हेयर को कलर देंगे या बॉर्डर शॉर्डर लगाएंगे। दोस्तों देख रहे हैं जैसे कि मैं पिक आर्ट में किस तरह हेयर को कलर दे रहा हूँ, आपने भी दोस्तों इसी तरह हेयर को कलर देना है। और दोस्तों जिस तरह मैं इसकी सेटिंग करूँगा सारी फ़ोटो को खूबसूरत ब्यूटीफुल बनाने के लिए, दोस्तों आपने भी इसकी इसी तरह सेटिंग करनी है। तो उम्मीद करता हूँ सब भाइयों को वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम।